दोस्तों आप सोने की चीजें तो पहनते हैं, पर कभी आपने ये सोचा कि सोना बनता कैसे है? वैसे सुनार सोने के बड़े बड़े हार, अंगूठी और कंगन कैसे तैयार करते हैं, ये तो आपने बहुत बार देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी अपने खाली वक्त में सोचा है कि आखिर कैसे एक ऐसे मेटल की माइनिंग की जाती है जो नेचर में बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन फिर भी उससे सख्त बिस्किट तैयार हो जाती है। अब अगर आप ये नहीं जानते तो आज का वीडियो आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब देगा, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों गोल्ड हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे में इससे जुड़ी जानकारी रखना भी बहुत जरूरी है। जैसे आंखों को तुरंत चौंधिया देने वाली चमचमाता सोना बहुत सॉफ्ट होने के साथ साथ कहीं दूसरी क्वालिटी से लैस होता है, जैसे इसे जटिल से जटिल आकार में तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, साथ ही इसे ना हवा के और ना ही पानी के कांटेक्ट में आने से इसे फर्क पड़ता है, जबकि दुनिया में कई ऐसे सख्त धातु है जो इन दो चीजों के आगे पिघल जाते हैं। यानी गोल्ड में ना तो रस्क लगता है और ना इसकी चमक पर कोई असर पड़ता है। वैसे आपने KGF मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसमें रॉकी भाई के साथ साथ खदान ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। अब गोल्ड के बिस्किट बनने के वीडियो में इस मूवी का जिक्र इसलिए आया क्योंकि दुनिया में ज्यादातर सोना इसी तरह की बड़ी बड़ी खदानों से आता है, जहां सोना कई दूसरे धातुओं के साथ बड़ी बड़ी चट्टानों में मौजूद होता है। इसलिए सोना निकालने के लिए हर वक्त माइनिंग की मदद ली जाती है, जिसमें कहीं कहीं पर ट्रेलिंग और ब्लास्टिंग का सहारा लिया जाता है। और तो और सोना जमीन के इतने नीचे होता है कि इसके लिए माइनर्स को कभी कभी आधा आधा किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है, जहां वो एक्सप्लोजिव सेट करने के लिए मशीन का सहारा लेकर हॉल्स करते हैं। यहां ड्रिल एक खास तरीके से की जाती है, जिसमें सब कुछ माइन इंजीनियर की देखरेख में किया जाता है। दरअसल यहां इंजीनियर को पता होता है कि आखिर सोना कहां और कितनी मात्रा में मौजूद है, इसीलिए बिना वक्त के बर्बादी किए सिर्फ उसी हिस्से को खोदा जाता है जहां पर सोना मौजूद होता है। वहीं ऑल थैंक्स टू माइनिंग कंपनी जियोलॉजिस्ट एज वेल, जिन्हें ऑल सैंपल को बखूबी पढ़ने में महारत हासिल होती है। दोस्तों यहां पर कंपनी सैंपल को कलेक्ट करने के लिए पत्थरों की गहराई तक खुदाई करती है, यही कोई 15 मीटर के आसपास है, जहां करीब 100 मीटर लंबी और करीब 3.5 सेंटीमीटर के डायमीटर वाली एक छड़ी डाली जाती है और सोने का पता लगाया जाता है। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि गोल्ड अपने नेचुरल स्टेट में प्योर नहीं होता, ये यूजुअली सिल्वर या फिर दूसरे मेटल के साथ घुला मिला होता है। यही वजह है कि माइन ओवर को सबसे पहले प्रोसेस किया जाता है, ताकि गोल्ड को बाकी धातुओं से अलग किया जा सके। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ मैट्रिक टन ऑफ ओवर से सिर्फ 6.5 ग्राम के आसपास का ही सोना मिल पाता है, यानी इतना सारा ओवर निकालने के बाद भी एक तोला सोना नहीं मिलता। खैर गोल्ड का पता लग जाने के बाद एक्सप्लोजिव से ब्लास्ट कर माइनर्स मशीन के सहारे और को वहाँ मौजूद गाड़ियों में डालकर खदान से बाहर भेजते हैं, जिसके बाद सबसे पहले पत्थर के टुकड़ों की तरह नजर आने वाले और को एक छलनी की तरह छानते हुए चल रही कन्वेयर में डाला जाता है, जहां से बड़े बड़े और छोटे जंगस अलग हो जाते हैं। और इसके बाद यहां इसमें पानी और साइनाइड का सॉल्यूशन ऐड किया जाता है, जिसे एक दूसरी मशीन अच्छे से मिक्स कर एक मॉड लाइट पल्प में बदल कर देती है, जिसे कुछ देर बाद एक बड़े से सेटलिंग टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां बैड सॉलिड भारी होने की वजह से टैंक के नीचे चले जाते हैं और वहीं ऊपर बचे पानी को ड्रेन कर दूसरी तरफ निकाल लिया जाता है। इसके बाद का काम टैंक में मौजूद वेट सॉलिड पर किया जाता है, जिसे वर्कर्स एजिटेशन टैंक में डालकर इसमें एयर ब्लो करते हैं, जिसकी वजह से होता कुछ ये है कि जो ऑक्सीजन होता है वो और में मौजूद साइनाइड और गोल्ड के बीच एक केमिकल रिएक्शन सेट करता है, जो गोल्ड को पानी में डिसॉल्व होने के लिए ट्रिगर करता है। इसके बाद यहाँ मौजूद ड्रम्स पानी को सॉलिड से सेपरेट कर लेते हैं और वहीं इस तरल को उस तरल में मिलाया जाता है, जिसे यहाँ कुछ देर पहले छान कर अलग कर दिया गया था। इसके बाद इसमें जिंक पाउडर को ऐड किया जाता है, जो कायदे से डिसॉल्व गोल्ड को सॉलिफाइड करने में मदद करता है। अब सोने के बिस्किट बनाने से पहले यहाँ एक कॉकटेल तैयार किया जाता है, कॉकटेल कुछ केमिकल का, जिसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड, फ्लोराइड, सिलिका फ्लावर, बोरेक्स और सोडियम नाइट्रेट शामिल होते हैं। इस मिश्रण को वैसे फ्लक्स कहा जाता है, जो असल में गोल्ड को इम्प्योरिटी से अलग करने का काम करता है।
अब आगे इस मिश्रण को एक मेल्टर में डाला जाता है जिसमें सॉलिडिफाइड गोल्ड भी मौजूद होता है। यहाँ इस मेल्टर का तापमान करीब 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास का होता है। इस मेल्टर को समय समय पर अच्छी तरह रोटेट भी किया जाता है जिससे कि सब कुछ अच्छी तरह से हीट हो जाए। यहाँ करीब 2.5 घंटे तक अच्छी तरह चारों कोनों से तप जाने के बाद जो भारी सोना होना होता है वो उस मेल्टर के तले पर अच्छे से चिपक जाता है। वही इम्प्योरिटी जिसे स्लैग कहा जाता है वो सतह पर ही तैरने लग जाती है जिसे कुछ देर बाद मेल्टर से बाहर निकाल लिया जाता है और उसका सैंपल भी टेस्टिंग के लिए ले लिया जाता है। यहाँ दरअसल इस बात की जांच की जाती है कि किसी भी तरह का कोई गोल्ड एलिमेंट मिक्सचर में बच ना गया हो। अब अगर गोल्ड के कुछ अवशेष मिल जाते हैं तो वापस इसे तब तक तपाया जाता है जब तक गोल्ड स्लैग फिल ना हो जाए। वहीं जब तक ये पूरी प्रोसेस हो रहा होता है तब तक गोल्ड भी ठंडा पड़ जाता है जिसे फिर से 1600 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हीट किया जाता है और अंत में गोल्ड बिस्किट के सांचे में डाल दिया जाता है। यहाँ सोना सख्त होने में सिर्फ 4 मिनट के आसपास का समय लगता है लेकिन इसे पूरी तरह से ठंडा होने में 1 घंटे तक का वक्त लग जाता है। अब जब सोना पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तो फिर बाद में सोने के बिस्किट को बहुत ही सावधानी पूर्वक सांचों से बाहर निकाल लिया जाता है और फिर सबसे पहले बिस्किट पर मौजूद हल्के फुल्के स्लैग को हटा लिया जाता है। दोस्तों इसमें भी गौर करने वाली एक बात यह है कि इस स्टेज में गोल्ड सिर्फ 80% प्योर होता है, इसीलिए इसके बाद गोल्ड बार्स को और रिफाइन किया जाता है और उसे 99.9% प्योरिटी वाला बनाया जाता है जो कि सोने का इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो चलिए दोस्तों, सोने के बिस्किट बनाने की पूरी प्रक्रिया बताने वाला ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और ऐसी ही और भी हमारे वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।